बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से खुशबूदार पिशावरी चपली कबाब, जिन्हें बनाना तो बहुत ही आसान है लेकिन टेस्ट में माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनते हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना मज़ेदार सा ये हमारा चपली कबाब तैयार हुआ है। तो चलिए आइए टाइम को वेस्ट के बगैर इन बहुत ही मज़ेदार से और टेस्टी से चपली कबाब्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पिशावरी चपली कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हमने बीफ का कीमा ले लिया है जो कि 1 kg है। इसे हमने वॉश कर लिया है सिरका और नमक लगा के। तो अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे 1 tbsp जैसे गार्लिक पेस्ट। इसके साथ हमने लाल मिर्च ली है जो कि 2 अदद है, हमने दर दरह से पीस लिया है। इसके साथ ही हमने 2 अदद हरी मिर्च भी ली है, और ये हमने लिए हैं 2 medium size के प्याज जिन्हें हमने चॉप सा कट किया हुआ है, और इनका पानी जो है वो हमने निकाल लिया है। पानी जो है वो बिल्कुल भी प्याजों में नहीं होना चाहिए। इसके साथ हमने एक चपली कबाब का ले लिया है जी यहाँ पर डब्बा, जो कि हम पूरा नहीं यूज करेंगे, जस्ट आपको 3 tbsp ही ऐड करना है। और अब इसमें ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए 1 अदद अंडा जिसे हमने फेंट कर ऐड किया है, 1 tbsp नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मुट्ठी भर आपने ऐड कर देना है जी हरा धनिया, और 1 tbsp साबुत धनिया जिसे हाथ में मसल कर ऐड करें, खुशबू बहुत मज़ेदार सी आती है। अब अच्छी तरह से हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो इसके साथ हमें चाहिए होगा जी यहाँ पर मक्की का आटा, जो कि हम लेंगे 4 tbsp। आपके पास नहीं है तो आप बेसन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने मक्की का आटा लिया है। इसके साथ ऐड कर देंगे 1/2 tbsp हल्दी और 1 tbsp चिली फ्लेक्स, और जो हमने मक्की का आटा हल्का सा रोस्ट किया है इसे हमने ऐड कर देना है तकरीबन 3 tbsp। अब अच्छी तरह से हम हैंड्स की मदद से मिक्स करेंगे। हैंड्स को पहले आपने अच्छी तरह से वॉश करना है। तो यहाँ पर हमने मिक्स बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। अब चेक कर लेंगे कि क्या हमारे चपली कबाब बन रहे हैं कि नहीं। तो देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त से बन रहे हैं। तो बस इस स्टेज पर आपने इसे रेस्ट पर रख देना है जी तकरीबन 1 घंटे तक। तो 1 घंटा हो चुका था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम बनाएंगे जी पिशावरी चपली कबाब। हैंड्स पर आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हैंड के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकते। तो इनकी जो है वो स्टार्टिंग में शेप थोड़ी बड़ी रखनी होती है, क्योंकि जब इन्हें फ्राई करते हैं तो ये थोड़े श्रिंक से हो जाते हैं। इस तरह से आपने इनकी इतनी शेप बनानी है कि जब ये फ्राई करें तो ज़्यादा श्रिंक ना हो जाए। तो बस इस तरह से हमने शेप बनाती जाना है और इन्हें रखते जाएंगे प्लेट में। तो माशाल्लाह से ये चपली कबाब जितना बनाने में आसान है, यकीन माने इतने ही ये टेस्ट में मज़ेदार से बनते हैं। तो चलिए आइए हम फ्राई कर लेते हैं हमने चपली कबाब्स को। यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है जो कि प्री हीट हो चुका था, और हमने चपली कबाब भी ऐड कर दिए हैं। अब ये माशाल्लाह से एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें पलट लेंगे तो बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार से बनते हैं। और चपली कबाब में जो है वो ज़्यादा ऑयल का नहीं चाहिए होता, बस इतने ही ऑयल में ये बहुत ज़बरदस्त से फ्राई हो जाते हैं। फ्लेम को जो है वो आपने कम रखते हुए इन चपली कबाब्स को फ्राई करना है ताकि जो कीमा है वो बहुत अच्छी तरह से गल जाए। फ्लेम तेज़ रखेंगे, बाहर से कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार सी हमारे पिशावरी चपली कबाब की आने रही हैं खुशबुएँ, पूरे किचन में ही महक रही हैं। तो बस इसी तरह से हमारे ये चपली कबाब बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी और देख सकते हैं माशाल्लाह से नज़दीक से भी बहुत टेस्टी से लग रहे हैं। तो इस तरह से हमने प्लेट में निकालते जाना है इनको। बहुत खूबसूरत सा माशाल्लाह इनके ऊपर कलर आया है। तो इसी तरह से हम निकाल देंगे, और इसी तरह से जो है वो हमने दूसरे भी चपली कबाब फ्राई कर लेने हैं। माशाल्लाह से हमने सभी चपली कबाब्स को बना लिया है, तो फाइनली हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है क्योंकि बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी से बनते हैं पिशावरी चपली कबाब। और अगर आप चाहें तो इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। जब हमने चपली कबाब बना लिए थे तो इस स्टेज पर किसी भी एयर टाइट डब्बे में आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमने इन्हें डिश आउट भी कर लिया है साथ हरी चटनी के साथ, बहुत मज़ेदार से लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ माशाल्लाह से अंदर जो है वो कितने जूसी और बहुत ही टेस्टी से बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई होप कि मेरी आज की पिशावरी चपली कबाब की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह से टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं इसे हरी चटनी के साथ
चेक करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये टेस्ट में कितने मज़ेदार से बने हैं। तो माशाल्लाह से बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार से बने हैं। जब आप ट्राई करेंगे आपको पता चल ही जाएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।